नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अजब अनोखा में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्नेक प्लांट के नेचुरल प्रोपोगेशन के बारे में कि स्नेक प्लांट कैसे अपने बेबी प्लांट को, उसके पप्स को प्रोड्यूस करता है। तो ये वीडियो आज स्नेक प्लांट के प्रोपोगेशन के बारे में, नेचुरल प्रोपोगेशन के बारे में। फ्रेंड्स, इससे पहले आज से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, और यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये है स्नेक प्लांट, इसे हम सेंसिवीरिया के नाम से भी जानते हैं और मदर इन लॉ टंक नाम भी है इसका। आई डोंट नो व्हाई दिस इज़ कॉल्ड मदर इन लॉ टंक। वेल, चलिए अब हम बात करते हैं कि इसके नेचुरल प्रोपोगेशन कैसे होता है, या ये नेचुरली डिवाइड हम इसको कैसे कर सकते हैं, या एक से अधिक इसको कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में इसके जो पप्स निकलते हैं, आप देख सकते हैं कि ये एक पप निकला है इसका। तो ये फरवरी से लेकर के अप्रैल तक का इसका सीज़न होता है जब स्नेक प्लांट नेचुरली अपने पप्स को प्रोड्यूस करता है, और इसके थ्रू हम नए नए प्लांट उगा सकते हैं। चाहे तो आप इसे ऐसे ही लगे रहने दीजिए और इस तरीके से थोड़े दिन में ये अपने आप घना होता चला जाएगा एक ही प्लांट, और ये और ज़्यादा घना हो जाएगा। बट यदि आप इसे अलग अलग जगह पर लगाना चाहते हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन रिच होता है, आप इसे इंडोर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि अपने घर में इसे अलग अलग जगह पर लगाएं, तो इसके लिए आप इसे अलग प्लांट बनाना चाहते हैं तो भी इस तरीके से पप्स के थ्रू बना सकते हैं। इसके लिए आपका जो स्नेक प्लांट है करीबन एक साल पुराना होना चाहिए, और जो एक प्लांट होता है वो एक पप रिड्यूस करता है। जैसे कि ये एक प्लांट है और ये एक साल के लगभग हो गया है इसको, जो मैंने कटिंग से ग्रोथ किया था। इसका जो मदर प्लांट है वो आप देख सकते हैं पीछे, ये मेरी लिविंग रूम में रहता है, तो ये इसका मदर प्लांट है, इसी की कटिंग के थ्रू मैंने इसे प्रोपोगेट किया हुआ है इसके पप्स के थ्रू, और ये इसके पप्स ने भी अब पप्स प्रोड्यूस किया है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये पप्स बनते हैं, और इसके बाद ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसे कि ये मदर प्लांट के साथ बेबी प्लांट जुड़ा हुआ है पैरेलली, यहाँ पर ये पैरेलली जुड़े होते हैं, और इसके बाद अभी मैं आपको दिखाऊंगी, इसके बाद हम इसे कट करके और दूसरा प्लांट की तरह यूज़ कर सकते हैं, हम किसी दूसरी जगह पर या किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि ये तो इसके नेचुरल प्रोपेगेशन की बात होगी कि हम नेचुरली इसको कैसे घना कर सकते हैं या किस तरीके से ज़्यादा प्लांट ले सकते हैं। तो ये साल में सिर्फ एक बार ही आपको देखने को मिलेगा, और एक प्लांट एक या दो, इससे ज़्यादा नहीं करता है, एक या दो ही जो बेबी प्लांट है वो देता है। तो ये तो बहुत स्लो होगी, लेकिन इसके बाद यदि आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा प्लांट बने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन रिच प्लांट है, और आप ये देखें कि यहाँ पर भी मैंने कितना ज़्यादा घना प्लांट है, तो ये आप चाहते हैं कि आपके घर में इस तरीके से घना प्लांट बने, तो इसके एक दो प्रोपोगेशन के तरीके होते हैं। एक तो ये नेचुरल प्रोपोगेशन, और दूसरा होता है इसके लीव्स के थ्रू प्रोपोगेशन। देखिए, लीव्स को भी आप दो तरीके से प्रोपोगेट कर सकते हैं, एक वाटर प्रोपोगेशन, इसके ऊपर मेरी बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है, तो आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, तो वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बट लीव्स के थ्रू जो हम सॉइल प्रोपोगेशन करते हैं, उसको हमने करके रखा हुआ, तो उसका रिजल्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगी। फ्रेंड्स, देखिए, इसको जो लीव्स के थ्रू ये सॉइल प्रोपोगेशन बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि हम एक लीव से न जाने कितने ही प्लांट बना सकते हैं। आप चाहो तो साल के अंदर आप सैकड़ों प्लांट भी इससे तैयार कर सकते हैं, जबकि नेचुरली आप देखेंगे नेचुरली जो है वो बहुत कम प्लांट बनते हैं, पर लीव्स के थ्रू आप देख सकते हैं कि काफ़ी मात्रा में प्लांट बनते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये कैसे बने हुए हैं निकाल के, ये देखिए, सबसे पहले ये काफ़ी अंदर तक जा चुके हैं, ये देखिए, ये लीव्स मैंने लगाई थी, ये देखिए, ये लीव्स मैंने लगाई थी, लीव्स का एक टुकड़ा लगाया था, और इसके बाद आप मैंने जो आपको बोला था कि ये पैरेलल लिखते हैं, तो इस तरीके से ये पैरेलल लिखते हैं एक दूसरे के, और यहाँ से हम इसको कट कर देंगे, तो हमारा ये देखिए इस तरीके से प्लांट सेम इसी तरीके से ये होता है, और सेम इसी तरीके से ये लीव्स के थ्रू प्रोपोगेट होता है। फ्रेंड्स, इसको कैसे प्रोपोगेट करना है, इसमें एक सीक्वेंस फॉलो होता है, तो वो आप मेरी वीडियो पे जाके देख सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इससे भी इजी तरीका ये है कि आप मेरे चैनल को विज़िट कीजिए, चैनल में आप आर्ट एंड क्राफ्ट आइडियाज़ में मेरा चैनल देखेंगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगा, और बहुत सारी वीडियोस भी मिलेंगी, मेरी आर्ट एंड क्राफ्ट की भी बहुत सारी वीडियोस वहाँ पर डली हुई है। यदि आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा,
और फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई जानकारी लेके मैं आपके सामने आती रहूँगी। यूट्यूब पे मेरा नया चैनल है, अभी भी मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, तो इसलिए आई होप आप उसको सपोर्ट करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बेल दबाएंगे, और यदि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ सिर्फ एक ही पत्तियों से मैंने देख सकते हैं कि कितने सारे प्लांट बना के तैयार कर लिए हैं, ये देखिए। तो इस तरीके से आप इतने, ये इसकी कॉस्ट जो है काफ़ी अच्छी नर्सरी में होती है, आई थिंक 100 रुपीज़ समथिंग या इससे ऊपर ही जाती है इसकी कॉस्ट। तो ये आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं और अपने घर में भी जगह जगह पर लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है। हम एयर प्योरीफायर खरीदते हैं, काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, इससे अच्छा है कि हम प्लांट में इन्वेस्ट करें और प्लांट किसी को गिफ्ट भी करें, ये बहुत बढ़िया गिफ्ट होगा, और अपने घर में भी लगाएं। तो फ्रेंड्स, हमने आज प्रोपोगेशन की वीडियो देखी है कि नेचुरली प्रोपोगेशन, लीव्स के थ्रू प्रोपोगेशन और वाटर प्रोपोगेशन जो बहुत जल्दी आने वाला है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और यदि अच्छी लगी तो आपको पता है आपको क्या करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।